मैं तो यही अपील करूंगी सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को वापस भेजो। इतने मानवता भलाई के कार्य करने के बावजूद भी, अच्छा सब कुछ करने के बावजूद भी आप गलत केसों में फंसा के बिठा के बैठे हो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से सीधी कवरेज। जो लेडीज आज भी यहां पर पहुंच रही हैं, उनके साथ बातचीत दिखाएंगे कि उनका क्या मानना है लेडीज को लेकर, डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कैसा माहौल है, कैसी सेफ्टी है, कैसी सुरक्षा है। तमाम मीडिया के द्वारा सूत्रों के हवाले से दिखाई गई खबरों का असली सच क्या है, जानेंगे इन्हीं से बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मैं मधु अम्बाला से। मधु जी, क्या प्रोफेशन है आपका? मैंने एमबीए किया हुआ है, करंटली मैं जॉब कर रही हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? हम लगभग दादा के टाइम से, अपने 50 साल पहले से लगे हुए हैं। पूरी फैमिली जुड़ी हुई? पूरी फैमिली जुड़ी है। हमने करीब करीब 7-8 साल में नाम ले लिया था। हमारे तो घर में बच्चों को 5 साल होते ही नाम दिलाया जाता है। मैम, यहाँ पर आते हो आप, कितने बार आए हो गए आप, कितनी बार विजिट किया आपने आश्रम को? लगभग एक महीने में 2 या 3 बार तो हम वैसे ही विजिट कर लेते हैं, और जब से नाम नहीं लिया तब 5 साल के से नाम देने लगे पिताजी। बट हम तो बचपन से ही आते हैं, अपने तो बचपन से। हर महीने आप रेगुलर आते हो? रेगुलर है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे उन खबरों का सच जो मीडिया में दिखाई जा रही थी। सबसे पहले पूछना चाहूंगी, आश्रम की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, जो लेडीज, जो लड़कियां यहां पर आ रही हैं, आपको क्या लगता है? मैम, ये सब झूठ का पुलिंदा है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। मीडिया तो वैसी मारती है। और रही सुरक्षा की बात, हम तो अपने पेरेंट्स के बगैर आते हैं यहाँ पे, हमेशा से आते रहे, सेवा पे आते हैं। यहाँ ही नहीं, हम बाहर के सत्संगों में भी जाते हैं, बाहर लेडेरों में भी घूमे, हम तो यूपी भी गए हैं, पंजाब वाले में, गुरसर मोड़िया, सारी जगह ही जाते हैं हम डेरों में लगभग। हमें तो कभी भी ऐसा लगा नहीं है कि भी हम असुरक्षित हैं, इनसिक्योरिटी है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रात में घूम ले, दिन में घूम ले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हम हमेशा सिक्योर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे सिक्योर रहते हैं, हमें भेज कर यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। गुफा की सच्चाई क्या है? गुफा कौन सी गुफा है? यहाँ कोई गुफा नहीं है यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से सुरंग टाइप का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक है, पुलिंदा है, अपने मन की बातें हैं और कुछ नहीं है। मैं मीडिया में जो फोटोज दिखाई जा रही थी, जो मीडिया में उस टाइम आई थी, एक कुछ बना हुआ, वो क्या है फिर? वो क्या था? रिजोर्ट था, ठीक है, एक साथ अजूबे बनाए हैं घूमने फिरने के लिए। क्या वो तो सारी जगह बाहर मिल जाते हैं? आप दिल्ली में जाओगे, इतनी चीजें घूमने के लिए हैं, क्या वो सारी गुफाएं थोड़ी हो जाती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो फेक है सारी बातें, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में और भी बातें चली थी, नर कंकाल बोला जा रहा था यहाँ पर, ऐसा कुछ होता है, आपको क्या लगता है, आप जनता को क्या बताना चाहोगे अपने वीडियो द्वारा? नर कंकाल बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो हम लोग आते हैं, पिताजी ने हमारी इतनी इतनी बीमारियाँ ठीक की हैं, मेरी तो खुद की करंटली मैं बताती हूँ, मेरे को दौरे पड़ते थे, मेरा भाई, उसको भी दौरे पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, और मतलब दौरे का लगभग कहते भी इलाज नहीं होता, और मतलब लाइफ टाइम दवाई चलती है। पिताजी ने हमें बोला भी गुरसा मोड़िया चेकअप कराओ, वहाँ पर हॉस्पिटल तब वहीं पर बना हुआ था, तो वहाँ पर हम गए, मात्र 150 रुपये में दोनों बहन भाइयों के चेकअप हो गया था, टेस्ट, दवाई, सब कुछ। हमने 3 साल का कोर्स किया, वो भी हमने किया नहीं किया, मतलब पिताजी ने वो बीमारी काट दी। अब देखो मैं हो गया करीब करीब 2004 की बात है, बिल्कुल ठीक हो अब, बिल्कुल। ये मेरा, हमारा बच्चा है, भतीजा मेरा, ये छोटा, ये जब हुआ, इस बीमार हुए था, 2 दिन बाद हम इसको हॉस्पिटल में लेके गए पिताजी के रहमत से, आज ये बिल्कुल ठीक है। इसकी एक सर्जरी हुई, डॉक्टर कहते एक और सर्जरी होगी, सामान आ गया, इसके सर्जरी होनी थी, सारा कुछ था, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, कहते नहीं ज़रूरत नहीं है इसकी, सर्जरी होते होती। ये मैम आपकी आस्था विश्वास है। मैम, जो दूसरे बातें हैं, जो और अभी पंजाब में मुद्दा चल रहा है धर्म को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 50 सालों में, आपकी फैमिली आ रही है, आप खुद आ रहे हो, तो आपने कैसा सुना है डेरा सच्चा सौदा किस धर्म को प्रेरित करता है, या किस धर्म के बारे में बातचीत करते हैं संत जी, किस धर्म को मानने के लिए बोलते हैं? संत जी कहते हैं, हमारे तो गुरु जी कहते हैं भी, धर्म सभी धर्मों का सत्कार करें, कभी भी अनादर तो दूर की बात है, बहुत ज़्यादा ही दूर की बात है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हाँ भी अनादर करेंगे या कुछ भी ऐसा, वो तो हमेशा से सभी का सत्कार करते आए हैं, करते हैं और करते ही रहेंगे, और हमें भी यही शिक्षा देते हैं भी सभी धर्मों का सत्कार करो, ऐसे तो कभी ये नहीं हुआ कि भी हाँ पर्टिकुलर हमें मानो या कुछ है। पंजाब में जो मुद्दा उठाया गया, कुछ नहीं है, राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। मैम, फिर जो आप लोग आते हो, क्यों आते हो, मतलब ऐसा सन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं? पब्लिक के लिए आप लगा लो 138 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, करंटली अभी 3 शुरू किए ही हैं,
मास्क लगाना वैक्सीनेशन के लिए और गरीब बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए और जो बीमार हैं उनको प्रॉपर मेडिसिन देना ऐसा कुछ। और पब्लिक के लिए अब तक देखा जाता है तो कितने मानवता भलाई के कार्य चले हुए हैं, गरीब लड़कियों की शादियों में कंट्रीब्यूट रहता है हमेशा से। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, आप जिन लोगों को लोग किन्नर समाज कुछ भी कह देते थे, कुछ भी बोलते थे, पिताजी ने उनको मुख्य धारा में ला के उन्हें कितना अच्छा नाम दिया, सुख दुआ समाज। और ये वैश्यवृत्ति है, ठीक है, इसमें कितनी लड़कियाँ फंसी हुई हैं, गुरु जी ने उनको ला के उनकी शादियाँ की हैं, आज वो घर में अपने अच्छे से रह रही हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। ये मतलब समाज में इतना गंद फैला हुआ है और उसको दूर किया जा रहा है, तो इसमें मुझे तो लगता नहीं है अभी कुछ गलत हो सकता है, अभी ऐसा भी एक ज़रूरत है संत जी की समाज को। हाँ जी, संत जी की ज़रूरत है समाज को, बिल्कुल ज़रूरत है। एक वही तो है कि भाई संत जो ऐसे ऐसे कामों में हाथ डाला जिनकी वजह से खुद के ऊपर भी कीचड़ आया, और ऐसा आज तक कभी हुआ तो है नहीं, किया नहीं, और समाज में से गंदगी ही निकाली जा रही है, तो ऐसे संत की तो जरूरत है ही है। हम चार सालों से नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ना रहने से समाज के ऊपर? देखो, जो काम वो करेंगे वो तो वही करेंगे, पर वो जहाँ भी है उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है ना, आज भी उनके बच्चे वो 138 मानता भलाई के कर एज इट इज कर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि भी आज उनके अंदर जाने से संगत हट गई है या काम नहीं कर रही या गलत रास्ते पे चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? मैं तो यही अपील करूंगी सरकार से जल्दी हमारे गुरुजी को वापस भेजो। इतने मानवता भलाई के कार्य करने के बावजूद भी, अच्छा सब कुछ करने के बावजूद भी आप गलत केसों में फंसा के बिठा के बैठे हो, कोई मतलब थोड़ी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील मांगे कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा सोसाइटी में वापस आए। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी फैमिली पिछले 50 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानती है, और ये करारा तमाचा मार रहे हैं उन मीडिया के सूत्रों को जिनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें दिखाई गई। गुफा को, एक इनका कहना है कि एक रिजॉर्ट को गुफा बनाकर पेश कर दिया गया पब्लिक के सामने, वहां पर ऐसी ऐसी खबरें दिखाई गई, जो सर्च ऑपरेशन हुआ कोई ऐसा नहीं मिला, फिर भी बोला गया कि यहां पर नर्क कंकाल मिले, ऐसी ऐसी बातें, इनका कहना है कि तमाम ऐसी फेक खबरें दिखाई गई जो बिल्कुल भी सच नहीं है। एक संत को डिफेम करने की कोशिश की है, जिस संत ने किचड़ से लोगों को निकाला, वेश्यावृत्ति से लड़कियों को बाहर निकाला, उसी संत को एक डिफेम करने की, बदनाम करने की कोशिश की गई है उन लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते समाज में भलाई के कार्य हों, समाज में से नशा मुक्त हो, समाज से वेश्यावृत्ति खत्म हो। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ फैक्ट्स के साथ, द फैक्ट टाइम में।